बाबा जान। दरवाजे पर दस्तक हो रही है। नहीं तो, मुझे तो ऐसी कोई दस्तक सुनाई नहीं दी। हो रही है, तू जाके देखो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। नहीं बाबा, कोई दस्तक नहीं हो रही, शायद हवा की जोर की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। हो रही है, दस्तक की साफ आवाज आ रही है। तुम नहीं जाना चाहते तो मैं खुद चला जाऊं। अब बेटे मैं जाती हूँ, लेकिन ये आपका वहम है, तू जाके देखो तो सही। कौन था? कोई नहीं था बाबा। क्या तुमने दरवाजा खोला था ना? तो क्या बगैर खोले बता रही हूँ? क्या वाकई दरवाजे पर कोई नहीं था? देखे बाबा, ये आपका वहम है, बाहर कोई नहीं था। क्या वाकई तुमने दरवाजा खोला था? बस करे बाबा, आपको आराम की जरूरत है। पता है आपको, डॉक्टर बुरहान ने कहा था आपको आराम की जरूरत है। वैसे उन्होंने कहा था कि वो आज शाम आएंगे, शायद भूल गए होंगे। अच्छा लड़का है डॉक्टर बुरहान। डॉक्टर बुरहान एक फर्स्ट शनास डॉक्टर है। डॉक्टर्स के लिए फर्स्ट शनास होना जरूरी है। और हाँ, तुमने दरवाजा खोला था ना? तोबा है, आप फिर से, बिल्कुल खोला था दरवाजा, कोई नहीं था बाहर। ये भी एक बीमारी है कि आपको दस्तक सुनाई दे रही, लेकिन दस्तक होती नहीं। अब कोई आया है? कोई जी, शायद डॉक्टर बुरहान होंगे। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी तकलीफ की बेटा, इस वक्त आने की क्या जरूरत थी, सुबह देखा जाता। कोई बात नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, भला इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? बस डॉक्टर साहब, आज काम बहुत था इसलिए देर हो गई। लेकिन खैर, सुनाए तबीयत कैसी आपकी? बेहतर है। टेम्परेचर चेक किया था? हाँ, थोड़ी देर पहले चेक किया था टेम्परेचर, सोता। चलो थोड़ा अभी भी चेक करते है, हाथ निकाल। बीपी तो ठीक है, सीने में तो दर्द नहीं? नहीं बुरहान बेटा। शुक्र है, और कोई बात नहीं? बस घबराहट सी है। चले मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। यानी कि तैयारी कर ली आपने? हाँ, बस मैं चलता हूँ। जरा ठहरिए, चाय पी कर जाइए। मैं जल्दी में हूँ, जरा बस दो मिनट में चाय रह रही। नहीं, इतनी तकलीफ क्यों की? कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, आपको पता है बाबा को वहम सा हो गया है। कैसा वहम? बैठे बैठे इनको ख्याल आता है कि बाहर दस्तक हो रही है, लेकिन बाहर कोई होता नहीं। हो सकता है कि बाहर कोई हो, लेकिन आपको दस्तक सुनाई ना दी हो। नहीं डॉक्टर साहब, कोई नहीं होता बाहर, लेकिन इनको ये वहम है कि बाहर दस्तक हो रही है। क्या आपका मतलब है कि दस्तक हुए बगैर डॉक्टर साहब को दस्तक सुनाई दे रही? जी डॉक्टर साहब, दिन में कई बार इनको ऐसा महसूस होता है कि बाहर दस्तक हो रही है। बुरहान बेटा। जी डॉक्टर साहब। आज से 20 साल पहले की बात है, मैं बहुत थक गया और सो गया। मेरे नौकर ने आकर मुझे बताया कोई बीमार है, मुझे उसके लिए ले जाना चाहता है। मैंने अपने नौकर को मना किया, लेकिन मैंने मना करने के बावजूद वो बुजुर्ग अंदर आ गया। मैंने उसकी तकलीफ पर अपने आराम को फुकियत दी।
लेकिन उसने अपनी पग उतार कर मेरे कदमों में रखी। उसने मुझे लाखों मिन्नत समाजत की और इसे ज़बरदस्ती निकलवा दिया। फिर भी वो दरवाजे पर दस्तक देता रहा। मैं सो गया। डॉक्टर साहब, वो आदमी जिसका बेटा उस रात एडिया रगड़ रगड़ कर मर गया था, मैं उसी का पोता हूँ। अब ना ख्याल रखिएगा और अब किसी किस्म की दस्तक नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं चलता हूँ। फिर मानेगा।